बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जूते चप्पलों को हम सामान्यतः बहुत महत्व नहीं देते हैं, कहीं भी पहन लिया, कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी उतार दिया, लेकिन देखिए ज्योतिष इसके बारे में भी कुछ कहता है, कुछ बताता है। आप जूते चप्पल पहनते हैं अपने पैरों में, और पैरों का संबंध होता है मीन राशि से, सबसे अंतिम राशि है मीन राशि, और इसका संबंध आपके पैरों से होता है। इसके अलावा शनि और राहु का भी आपके पैरों से, आपके पंजों से संबंध होता है। जैसे ही आप जूते चप्पलों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही शनि और राहु एक्टिव हो जाते हैं, शनि और राहु सक्रिय हो जाते हैं। गलत तरीके से जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो आपको स्वास्थ्य की समस्या, यश की समस्या और धन की समस्या तीनों परेशान करेगी। आप देखिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि लकड़ी की खड़ाऊं पहनते थे। बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं कि मैं नंगे पैर यात्रा करूंगा, नंगे पैर भगवान के मंदिर की परिक्रमा करूंगा। पैरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये प्राचीन समय से ही है कि आप किस तरह के जूते पहनते हैं, कब पहनते हैं, नंगे पैर ज़्यादा रहते हैं या जूते चप्पल पहन करके रहते हैं, इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी ज़िंदगी में। तो जूते चप्पल कैसे, कब और कहाँ पहनने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। देखिए जूतों का रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रंग आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा असर डालते हैं। फैशन में लोग तमाम रंगों के जूते पहनते हैं। पहले तो केवल काले, भूरे या ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद जूते आते थे, अब हर रंग के जूते आते हैं। तो फैशन में लोग विभिन्न रंगों के जूते पहनते हैं, और अलग अलग रंग के जूते अलग अलग ग्रहों से संबंध भी रखते हैं। जूते चप्पल से शनि और राहु दोनों का संबंध है, ऐसा आपको पहले भी मैंने बताया। इसीलिए पैरों में काले रंग के जूते, भूरे रंग के जूते या नीले रंग के जूते ज्यादा उत्तम हैं, ज्यादा बेहतर हैं। फिर भी अगर आप किसी अन्य रंग का जूता पहनते हैं, तो ये देख लीजिए कि जिस रंग का जूता आप पहन रहे हैं, उस रंग वाला ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब मान लिया आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप लाल रंग का जूता पहनने लगेंगे, तो कुंडली का मंगल बिगड़ेगा और मंगल संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, भूल कर भी पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल मत पहनिए। पीला रंग देव गुरु बृहस्पति का रंग है, और इसको पैरों में पहनना, इसको पैरों में धारण करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल पहनेंगे, तो इससे अपयश, दरिद्रता और बाधा सब पैदा होगी। सामान्यतः मैं कहूंगा काले रंग के, भूरे रंग के, नीले रंग के जूते पहनिए, सबसे ज्यादा बढ़िया है। और विशेष स्थितियों में स्पोर्ट्स के आदि के शूज हैं तो आप सफेद रंग के भी पहन सकते हैं। लेकिन जब आप रंग बिरंगे जूते पहनते हैं, हरे रंग के, गुलाबी रंग के, तो जरा ये समझिए कि किस ग्रह का रंग है वो, और ऐसा तो नहीं कि वो ग्रह आपका शुभ ग्रह है और आपने उसका रंग पैरों में पहन लिया है। अगर अपने शुभ ग्रह का रंग आप पैरों में पहनेंगे, तो उस ग्रह से संबंधित बाधाएं आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। देखिए फिर समझ लीजिए कि जूते चप्पल बड़े महत्वपूर्ण हैं। शनि और राहु लोगों के रोजगार पर असर डालते हैं। आपके दिन भर की दौड़ भाग, आपका रोजगार, आपकी कंडीशन जूते चप्पल से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। किन बातों का ध्यान रखें इसके प्रयोग में? देखिए जूते चप्पल जब भी पहने, कपड़े से, ब्रश से उसको झाड़ करके, साफ करके तब पहनिएगा। गंदे जूते चप्पल मत पहनिएगा। अगर आप बिना झाड़े पोछे, बिना साफ किए जूते चप्पल पहनते हैं, तो बेवजह की दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। जूते चप्पलों को इधर उधर बिल्कुल मत फेंकिए। जूते चप्पलों को इधर उधर फेंकना उचित नहीं है।
आप घर में या बाहर जूते चप्पलों को इधर उधर फेंकेंगे तो आपके पैसे की बचत नहीं होगी, आप धन की सेविंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रोजगार की समस्या है या आप अपने करियर में बदलाव चाहते हैं तो शनिवार के दिन विशेष रूप से जूते चप्पलों का दान करना बड़ा ही फायदेमंद होता है। जूते चप्पलों का, किसी भी रंग के जूते चप्पल हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, चमड़े के हो सकते हैं, रैक्सीन के, लेदराइट के, जिसके भी जूते चप्पल हों, इसका अगर आप दान करें शनिवार के दिन तो ये नौकरी के मामले में बड़े परिवर्तन पैदा करता है और नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं आपके